दादी साथ बैठ गई है और अभी बड़ा देवर जो है वो आगे बैठेंगे, तो उनका ही वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो फिर चलते हैं हम लोग। मैंने बिंदी लगाई थी स्टोन वाली, बट वो जमी नहीं मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों। आपकी उसमें रखी थी, वो अच्छी नहीं लगी, वो पता नहीं क्यों थोड़ी सी टेढ़ी लग रही थी, क्या लग रही थी। हमने कहा अन मैडम को देखिए, तो चलते हैं हम लोग गाँव। बहुत गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, मुझे लग रहा है गाँव में इससे ज्यादा गर्मी होगी, है ना। शिवी को थोड़ा धूप से बचाना और कुछ नहीं। तो फाइनली हम आ गए हैं ताई जी के यहाँ, और देखा जाए तो खानदान बहुत बड़ा है, और सबसे मिलवाने बैठूँ तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। मगर हम सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बैठे, 5 से 6 घंटे कम से कम हम गाँव में थे। और बड़ी वाली भाभी जी के यहाँ हमारा जो खाना था, उन्होंने पहले ही बोल रखा था खाना हमारे यहाँ खाना। तो फाइनली यहाँ पर शिवी को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे, और इसलिए मैंने कहा चलो छोटे छोटे शूट कर लेते हैं। कू क्या कर रही है? कू चूल्हे में रोटी बनाएगी, सबको रोटी खिलाएगी। ये देखिए क्या हो रहा है, हमारी छोटी रानी चूल्हा जला रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और कोशिश पे दुनिया कायम है, उम्मीद कायम है, तो ये कर रही हैं। बेटा कुछ और हेल्प कराएं आपकी? रोटी बन रही है, ये एक एक करके रोटी बन रही है। अच्छे से मिलते हैं। अच्छा बेटा मार ना दे, देखना बस, आपको डर नहीं लग रहा? जय कर लो, जय कर लो। नहीं बड़ी वाली क्या नहीं है, वो भी नहीं मारती है। एक से निपटो पहले बेटा। हाँ ये तो हमारी बड़ी भाभी हैं, और ये भाभी जी हमारी बना रही है चटनी, उसके लिए प्याज जो है फ्राई कर रही है। और ये देखिए चूल्हे पे, और चूल्हे के लिए एक लड़की जो है परेशान। नो नो आप नहीं जलाओ ये, आप हाँ तो यहाँ पे भाभी ने हमें पहले ही बोल रखा था फोन करके कि खाना आज हमारे यहाँ ही होगा। भाभी ने बहुत सारी चीजें बनाई थी, कढ़ी चावल भी बनाए थे, बट हम लोगों को चूल्हे की रोटी कम मिलती है ना, तो हम लोगों ने उसी पे फोकस किया कि भाभी हमें चूल्हे की रोटी ही खानी है, पानी वाली, जो कि बहुत टेस्टी होती है। जिन्होंने खाई होगी उनको पता हो। मस्त लगता है, मगर ये देसी खाना ना अलग ही मस्त लगता है ना। ये दही, गांव की प्योर दही, साथ में चटनी और पानी वाली नमक वाली रोटी, एकदम फर्स्ट क्लास भाभी ने बनाई है। गर्मा गर्म खा रहे हैं चूल्हे की निकली हुई रोटी, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, चाहे किसी ढाबे पे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे, कहीं पे भी बैठ रही है। तो ये मैं खा रही हूँ, टेस्ट में ले रही हूँ, मगर आप मन ही मन सोचिएगा। तो ये देखिए दूध निकल रहा है, एक बार में तो सुबह भी 5 लीटर, शाम को भी 10 लीटर दूध दे देती है। अरे वाह। तो जैसे कि भाभी ने बताया कि ये दूध देती है सुबह शाम दोनों, तो शाम के वक्त का दूध निकाल रही हूँ, और हम लोगों को जाने का भी टाइम था, तो हमने कहा चलो फटाफट हम निकलते हैं, भाभी को बाय बाय करते, तो वेट कर रहे थे भाभी अपना ये वाला काम कर लें, उसके बाद भाभी को बाय बाय करें हम। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे, पीछे कुहू बैठी है, कुहू के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और अभी बस हाथ पैर थोड़े से धुले, और अब मैं सोचती हूँ इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। मम्मी दूध गर्मा रही हैं, क्योंकि मम्मी सुबह दूध गर्मा के गई थी, मम्मी का मन था कि दूध पता नहीं फट तो नहीं गया, हम बाहर रखकर चले गए, फ्रिज में नहीं रखा। और ये देखिए कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, और ये ब्रश हमने रख लेंगे कि कल सुबह करके, और यहीं से रख लेंगे, नहीं तो फिर वहां पे रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरे शिवी के और शिवी के पापा के तीनों के ब्रश रखे हैं, और ये डिटॉल जो है कुहू से बचाना होता है। ऐसी छोटी छोटी मेडिसिन की डिब्बी है यहाँ पे बहुत सारी, जो शिवी से बहुत ज्यादा बचानी पड़ती है। ये बच्चे सबसे पहले पता नहीं क्यों डिब्बा डिब्बी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको हर चीज खोल के देखनी है, हर चीज खोल के देखनी है। तो सेम शिवी का भी वही है कि उसको हर चीज खोल के देखनी है कि उसके अंदर क्या है। तो अभी तो मैं चाय तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पी ली कोल्ड ड्रिंक, खाना खाया तो भूख जो हमने कवर की तो उसके बाद ना हैवी हो गया था, और पानी की रोटी बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी हैवी भी होती है, तो इस वजह से प्यास लग रही थी, तो कुछ ऐसा ठंडा पीने का मन कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक रखी थी एक्चुअल में, तो मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हम ये दूध गर्मा लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा ये है ना, ये सबसे बेस्ट होता है कि जब कोई आए तो
को खोल के दे सकते हैं। इसमें एक में गुजिया है, एक पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक पार्ट में गुजिया रखते हैं, एक में ये नमकीन है, एक में मट्ठी है और दो में नमकीन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नमकीन रख लो। ये मम्मी ने गुजिया बनाई थी, गुजिया अभी खत्म हो रही है तो जब कोई आएगा तो गुजिया और रख देंगे। तो ये सारी चीजें जो है, और इसको इस तरीके से बंद करके रख दो, जब कोई आए तो उसको आप सर्व करके दे दो। तो मम्मी से ही मिल लीजिए, मम्मी को बहुत टाइम बाद टाइम मिला हमारी वीडियो में आने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बिजी रहती है। मम्मी को बहुत टेंशन थी कि दूध हम छोड़ के सुबह चले गए कहीं ऐसा ना फट ना जाए, तो हमने कहा नहीं फटेगा, दूध को तो ध्यान रखना। और बहुत सारा दूध था, कितना, 2 लीटर था, 2 लीटर पापा और लेके आए, और लेकर आए। देखिए हमारे घर में दूध पीता कौन है इतना, कोई नहीं, मगर पापा ले आए कि चलो। तो मम्मी से मिल लीजिए आप लोग, और मम्मी अभी नहीं जा रही हो मैं सब, क्यों, अभी काम है ना यहाँ पे, काम है, बहू से क्या, बहू लड़ रही है गुस्से में, मगर नहीं नहीं जाएंगी अभी, काम है, हम तो खेती वाले लोग हैं भाई, खेती खेत का भी काम कराना है, खेत का काम करो, मगर कब जाओगे फिर, वादा आज, आज इस वीडियो में वादा कर लो कब चलोगे। फिर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, फिर बार बार प्ले करके दिखाया करेंगे। कोई आ गया, अच्छा तो कब चलोगे, अब इस महीने का, यही महीना का लग जाएगा बेटा, अप्रैल है ना, अब देखते मई में देख आएंगे हम फिर से, और फिर वीडियो दिखाएंगे मम्मी को। दू कल के लिए रखा है, और कल हम लोग निकल भी जाएंगे सुबह, तो सुबह जब निकलेंगे तब की ब्लॉगिंग। तो अभी मैंने इस वीडियो का एंड नहीं किया, एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।